फ्लैट से निकलते हुए हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है ओडेसा का यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी देखना है। फिर उसके बाद विल गो टू हैव सम लंच, क्योंकि हमने कुछ खा, मतलब बाल कैसे, टू हैव सम लंच में करी हाउस और मे बी तंदूरी, आई डोंट नो दोनों में से कोई एक। सो अभी यूनिवर्सिटी देखते हैं और हम आ गए हैं। अच्छा ये वाली यूनिवर्सिटी है ना। हाँ वही, ये है एनाटॉमी बिल्डिंग और ये है मेन बिल्डिंग। और ये है मेन बिल्डिंग एंट्रेंस। ओडेसा के स्टूडेंट्स जो मेरे व्लॉग देखते हैं, जो चले गए इंडिया, उन लोग के लिए वी आर हियर इन मेडिकल यूनिवर्सिटी। गाइज वी आर फाइनली इन द करी हाउस। यहाँ पर सब ऑर्डर दे रहे हैं। Hey guys, मसाला पापड़। This is not tasty. It's tasty, but it's like sweeter side. ऐसा लग रहा है कि मैं हनी चिकन चिली खा रहा हूँ। कढ़ाई चिकन आ गया। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। चिकन बिरयानी, जीरा राइस, नान, बटर गायब हो गया इसमें। क्या हुआ हिमांशु, और क्या मंगाया तुम? उसका बच्चा नाम, हमारा तो उसे नाम है बच्चा। अच्छा, दीवार पे, वहाँ दीवार पे छोड़ सके ना, ये आदमी सो रहा है। यहाँ खाना खत्म हो चुका है, एक एक करके रिव्यू बताओ भाई, ऑनेस्ट रिव्यू। आई विल नॉट टेक मनी टू कम। बिरयानी वाज लाइक सो काइंड ऑफ गुड, बट चिली चिकन इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। रेटिंग आउट ऑफ 10 मैं दूंगा पूरे रेस्टोरेंट को ना, 5.5। असीम, इफ यू आर एन ऑथेंटिक इंडियन फूड लवर, दिस प्लेस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट इफ यू एंजॉय द टेस्ट ऑफ रशियन इंडियन फूड, यू मे कम हियर, यू मे एंजॉय करी इन एवरी डिश। द सेम करी इज इंक्लूडेड इन छोले, फ्राइड चिकन एंड पनीर मसाला एंड अनदर बटर चिकन, बटर पनीर चिकन, व्हाटएवर द कॉल इट। Curry house is curry only. Curry only. And it's all the same. One out of 10 rating. On the basis of an Indian, I'll give him a 3. Krishna, is restaurant ka kya hai tumhara? Talking about this restaurant, talking about the Borin restaurant, Borin. Khana. Same place, Borin. We want some twist, you know. Yes. Different flavors. Rating. Rating. 10 में 4.5। बताओ कैसा था खाना? जितना हम सोच के आए थे उतना तो अच्छा नहीं था। और रेटिंग कितना दोगे 10 में से? 5। मैं 4 भी मुखर्जी। आपको कैसा लगा खाना? अच्छा नहीं था। ग्रेवी मतलब बहुत मीठा मीठा अजीब है। आई लाइक द बिरयानी और वो पापड़, मसाला पापड़। बोलो कैसा था खाना? खाना एवरेज था, प्राइस कम करने से तो ठीक हो जाता। टेस्ट रेटिंग? एक्सपेक्टेशन से और ये हो गया। और 10 में से कितनी रेटिंग? 10 में से। कल आए थे हम ओपेरा, पानी गिर गया था और फ़ोटो वोटो भी क्लिक नहीं करवा पाए थे, एंड नाउ वी आर हियर फिर से। गाइस तो हम कल आए थे इस स्टेज में, आज हम उस ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। हमको उधर जाना है फॉर बोटिंग। कल ऊपर तो नहीं चढ़ पाए बट यहाँ से आज नीचे उतरे, 5 से 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। कितना उतर गए? 60। हम गिनते जा रहे हैं स्टेज, 192 है कि नहीं। हंड्रेड
192 स्टेज है, हमने गिन लिए. अब हम जा रहे हैं बोट पे. ये बोट हमको 45 मिनट्स घुमाएगी हर एक बीच से यहाँ तक वापस. 100 रुपीज है इसका टिकट. यार ये तो बहुत भीड़ लग रहा है, हम कहाँ बैठेंगे? ये है हमारी बोट. तंदूरी रेस्टोरेंट का मतलब चाट. हे एवरीबॉडी, तंदूरी रेस्टोरेंट. ओडिशा का ट्रिप हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है, तो 11 बजे हमारी ट्रेन है. सो हमने सोचा कि एक बार तंदूरी भी ट्राई कर लें. सो हम आए थे यहाँ पे और हमने ऑर्डर दी और हमने कुछ कुछ खाया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था. करी हाउस से बेटर टेस्ट था. हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ आएँ. तो मैं आपको एक बार तंदूरी हाउस का टूर दे देती हूँ. लेट्स गो. सो मेरे व्यूअर्स के लिए जो ओडिशा घूमने आना चाहते हैं, ये जो रास्ता है ये है यूनिवर्सिटी का रास्ता. यहाँ से आप सीधे आएंगे. ये है तंदूरी रेस्टोरेंट. यहाँ अल पसिनो करके लिखा है, उसके जस्ट बगल में ये आप देखेंगे, ये है तंदूरी रेस्टोरेंट का एड्रेस. सिटिंग एरिया, अंदर घुसते ही यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है और उसके लेफ्ट साइड पे भगवान जी की मूर्तियां हैं. फिर उसके बगल में है ये किचन एरिया. ऐसे ही एक और सिटिंग अरेंजमेंट है, ये जहां हमने खाना खाया है. एक प्राइवेट सिटिंग एरिया है अंदर और इधर है सिटिंग एरिया. मैंने ट्रेन के लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर की है और बाकी सब ने बहुत कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, उसको हमने अभी टेस्ट नहीं किया है. हम उसको पैक करवा के लेके जाएंगे. अभी मैं जब ये वीडियो ले रही थी तंदूरी की, तो भैया उन्होंने बताया कि एक ये उनका बगल में पिज्ज़ा का भी है शॉप, तो मैं वहाँ का भी आपको एक व्यू दिखा दे. ये है गाइस, ये है पिज्ज़ा का. अगर आपको पिज्ज़ा खाना है, ये पूरा एक रेस्टोरेंट है. ये हमारे लिए गुलाब जामुन कॉम्प्लीमेंट्री भैया के तरफ से. मस्त लगा. मास्क लड्डू भी दे रहे. बाय बाय भैया. हम बोलेंगे अपने जूनियर्स को यहीं आने. हाँ बाय बाय ओडिशा. सो गाइज, हम आ गए हैं अपने लास्ट स्टॉप पे जो है बगजाल. यहाँ से अब हम जाएंगे अपने घर वापस जाने पर. और अभी एक घंटा बचा था, सो हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. सो उसके जस्ट बगल में हमको ये चीज़ दिख गई, बहुत सारी चीज़ें हैं पीछे. या यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे अपना. सो मिलते हैं कुछ देर में. बाय. फाइनली हम पहुंच गए अपने घर. मैं अभी रूम आ गई हूँ और अगर
अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल पुट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको पूछना है, सो यू कैन डीएम मी, और आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. वी हैड सो मच फन. ओडेसा आपको एक बार जाना चाहिए. इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस और बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है. और हाँ, एक चीज़ और, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स रीच कर जाऊंगी. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा. इसी के साथ ही मैं ये सीरीज़ एंड करती हूँ, के बाद हम इंडिया का व्लॉग बनाएंगे. सो या गाइज, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय.